बेटा मैं संजय सर, आज आपको बेटा क्लास 10th की साइंस में जो फिजिक्स का हमारा पोर्शन है, ठीक है, उस फिजिक्स के पोर्शन में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझाया था, ठीक है। और आज जो वीडियो है हमारी, आज की वीडियो है हमारी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है ये देख लेते हैं, ठीक बेटा। अब देखो ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है इस प्रकार से, जिसका एक तल क्या होता है, उभरा हुआ होता है, ठीक है, और एक तल इसका दबा हुआ होता है। जो तल दबा हुआ होता है वो खुरदरा होता है, ठीक, और जो तल उभरा हुआ होता है वो कैसा होता है, चिकना होता है। तो ये है M1 और M2, ठीक है, ये एक क्या है, उत्तल दर्पण। इसके बीचों बीच एक मुख्य अक्ष गई है गुजरकर, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है बेटा, ये मुख्य अक्ष है। अब देखो इसमें जैसे हमने इधर माना था कि ये इसका F है और ये इसका वक्रता केंद्र C है, ठीक, इतनी ही दूरी पर इधर एक F है फोकस डैश, और इतनी ही दूरी पर इधर एक वक्रता केंद्र C डैश है, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो इधर से यानी कि वस्तु कहीं भी रख दें, अनंत पर रखें, चाहे अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखें, चाहे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें, चाहे फोकस और ध्रुव के बीच में, ये जो बिंदु है इसका ये क्या है, ध्रुव पी, चाहे वो ध्रुव के बीच में रखें, ठीक है, चाहे वक्रता केंद्र पर रख दो, चाहे फोकस पर रख दो, ठीक है, नहीं वस्तु को कहीं पर भी रख दो, सब जगह एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। वो भी कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। तो देख लेते हैं, ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर हमने एक कोई वस्तु रख दी, ये वस्तु क्या है, ए बी, तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखो एक प्रकाशीय किरण कैसे जाएगी, सीधी जाती है, ये तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, अच्छे से पता है, एक प्रकाशीय किरण कैसे जाएगी, सीधी जाएगी। अब वो जो प्रकाशीय किरण है, ये जो सीधी जा रही है, ठीक है, ये टकरा के कहाँ जाएगी, ये फोकस से होकर गुजरती, तो देखो टकरा इधर को तो टकराएगी नहीं, तो ये इस प्रकार से टकराएगी जैसे इसके पीछे वाले फोकस से होकर जा रही है, ये इस प्रकार से टकरा कर गुजर जाएगी, ठीक है बेटा, ऐसे करके। अब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि ये, ठीक है बेटा, जैसे कि ये इस प्रकार से इसके फोकस से होकर जा रही है, ऐसे कर, ठीक है, इसके फोकस से होकर क्या हो रही है, ये जा रही है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है बेटा। अब इसके बाद क्या हो, अब इसके बाद देखेंगे कि दूसरी जो प्रकाशीय किरण है वो उसके वक्रता केंद्र से गुजरेगी, इस वाले वक्रता केंद्र से नहीं, देखो इससे गुजरेगी तो कहाँ जाएगी, दर्पण से बाहर चली जाएगी, ठीक है, नहीं, और इससे गुजरती है तो टकरा के इधर की ओर चली जाएगी, तो ये कहीं भी एक दूसरे को दोनों प्रकाशीय किरणें काटेंगे नहीं, हमें वो प्रकाशीय किरणें लेनी है जो एक दूसरे को काटे। तो प्रकाशीय किरणें देखो यहां से जाएंगी ऐसे करके, ये इस प्रकार से जा सकती हैं इस प्रकार से, तो एक तो सीधी वाली ले ली और एक ये वाली ले ली, ठीक है, ऐसी प्रकाशीय किरण लेंगे जो इसके वक्रता केंद्र सी से होती हुई प्रतीत हो, ऐसे करके, ठीक है बेटा, देखो ये जा रही है इस प्रकार से, ठीक, और ये ऐसा लगेगा जैसे कि ये इसके वक्रता केंद्र सी से होकर जा रही है इस प्रकार से, ठीक है, ये यहाँ टकरा कर अपने ही मार्ग में वापस हो जाती है। आपको पता है कि जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है वो टकरा के दर्पण से अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है, वापस, तो यहां से जाएगी सीधी, और ये इस वाले वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हुई दिखाई देगी, यानी कि हमें आभास होगा इसका, लेकिन इसी से ये, क्योंकि इसके पीछे तो जाएगी नहीं, इसी से वापस हो जाती है टकरा के, ठीक है, लेकिन अगर हम पीछे की ओर देखें, उसकी सीध खींचे, तो वो उसके पिछले वाले वक्रता केंद्र से होकर होती हुई गुजरेगी। अब ये जो तो प्रकाशी किरण है, एक तो ये फोकस से गुजरी और ये कि वक्रता केंद्र से, इन दोनों ने जहां पर काटा यहीं पर एक प्रतिबिंब बन जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया आई आई डैश, ठीक है बेटा, ये वाला प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब बना है किसके द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में, ठीक है। अब ये कैसा बना, देखो सीधा है, कैसा प्रतिबिंब है, सीधा है, ठीक है, कैसा है, वस्तु से छोटा है, ठीक है, सीधा है, वस्तु से छोटा है, और कैसा है, आभासी है, किस प्रकार का प्रतिबिंब, आभासी, और कहां पर बना, देखो ध्रुव और फोकस के बीच में बना है, ठीक है। अब एक इसमें एक चीज और दिखा देते हैं, देखो बेटा अब जो वस्तु यदि कहां रखी थी,
वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में रखी। अब हम वक्रता केंद्र और फोकस के कहीं बीच में रख के देख लेते हैं, ना ही हम सी पर रख रहे हैं ना एफ पर रख रहे हैं, हम इन दोनों के कहीं बीच में रख के देखते हैं। ठीक है बेटा, जो प्रतिबिंब ये बना है ऐसा ही बनेगा, देखो इसको भी समझ लो आप। ठीक, दोबारा अब देखो ये क्या है, फिर से बना लेते हैं, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, क्या है ये उत्तल दर्पण, कौन सा एम वन एम टू। ठीक है, इसके बीचों बीच क्या गुजर रही है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा, अब देखो हमने क्या माना था, एक फोकस एफ डैश ये मान लिया था और एक वक्रता केंद्र सी ये मान लिया सी डैश, ऐसे ही फोकस एफ इधर मान लिया और वक्रता केंद्र सी इधर मान लिया। ठीक है, हमने वस्तु रख दी, पहले रखी थी सी और अनंत के बीच में, रख दी सी और एफ के कहीं बीच में हमने ये रख दी। ठीक, अब बेटा एक प्रकाशीय किरण इसकी जो है वो कैसी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जो टकरा के इस प्रकार से जाती है वापस होती है, तो बेटा वो ऐसा लगेगा जैसे कि इसके फोकस से होकर जा रही है। तो ये प्रकाशीय किरण जा रही है ऐसे करके, इसके फोकस से होती है पीछे की ओर। ठीक है, इस प्रकार। अब दूसरी प्रकाशीय किरण देखो, इसके वक्रता केंद्र सी से जाती है प्रतीत होगी, वक्रता केंद्र सी से, तो इस प्रकार से जाएगी और ये अपने मार्ग में वापस जाएगी जैसे हमने अभी पीछे समझा था। इसको जब देखेंगे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखो ये इस प्रकार से सी से जाती हुई प्रतीत होगी। तो जहां भी इन दोनों ने काटा एक दूसरे को वहीं पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। देखो देखो वहां भी, यहाँ पर कैसा है, छोटा है वस्तु से और कैसा है, सीधा है। ठीक है, यहाँ भी कैसा है, देखो वस्तु से छोटा है और कैसा है, सीधा है। ठीक है नहीं, और कैसा होगा, यहाँ भी आभासी प्रतिबिंब होगा। और कहाँ बना, ये बना पी और एफ के बीच में, तो यहाँ भी कहाँ बन रहा था, पी और एफ के बीच में। तो इसका मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रख दे, ठीक है नहीं, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रख दो, प्रतिबिंब लगभग एक जैसा ही बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको बेटा अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के पास, जितने भी जुगल किशोर इंटर कॉलेज के बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है बेटा, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जितनी भी वीडियो हमारी बने आगे नेक्स्ट, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।